हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसीजन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भाई जो उसके सीए क्लब चैंपियनशिप T20 की जो कि मैच होने वाले हैं ऐसे त्रिपुनिथुरा क्रिकेट क्लब वर्सेस मास्टर रान सीसी के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे स्मॉल लीग में लेके जा सकते हैं, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ग्रैंड लीग में पिक कर सकते हैं, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार और लास्ट में हमारी फैंटासी टीम देख लेते एक बार कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करें इसमें कि इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये पूरी टूर्नामेंट कवर की जाएंगे। इसके साथ साथ यहां से ECS T10 के वीडियोज मिल जाएंगे, इसके साथ साथ आपको मिल जाएंगे ऐसे वुमन T20 के वीडियोस, और इसके साथ साथ आपको मिल जाएंगे ऐसे सालता T10 के वीडियोस। सारे मैचेस की वीडियो आपको इसी YouTube चैनल पर मिलने वाले। तो सबसे पहले आपको YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ऐसे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको यहीं पर टेलीग्राम पे ही मिलने वाली है। तो टेलीग्राम से जुड़ने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक अटैच किया हुआ है। इनकेस अगर लिंक वर्क ना करे तो टेलीग्राम में जाके आप सर्च भी कर सकते हो फैंटासी डिसीजन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, जहाँ पर आपको मिलेंगे यहाँ से करीबन 1340 से 45 के आसपास सब्सक्राइबर दिखेंगे। आपको वही चैनल ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि हमारे नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल भी बने हुए हैं। तो बात करें इस मैच की, तो ये मैच दोपहर में 1 बजे सनातना धर्मा कॉलेज ग्राउंड अल्ला पूजा में खेला जाएगा। पिच रिपोर्ट की बात करो तो यहाँ से बॉलिंग के लिए काफ़ी अच्छी पिच है, यहाँ से ज़्यादा स्कोर हुआ नहीं है, हालांकि एक बार 200 के प्लस भी स्कोर बन चुका है, तो कभी कभी स्कोर भी बड़े हो जाते हैं। एवरेज स्कोर की बात करो तो 130 रन के आसपास स्कोर बनता हुआ नजर आ सकता है। चेजिंग रिकॉर्ड की बात करो तो यहाँ से 8 मैच खेले गए, जिसमें से 5 बार पहली बैटिंग करने वाली टीम ने जीती, यहाँ से 3 बार चेजिंग करने वाली टीम ने जीती, लेकिन कल की दोनों ही मैच यहाँ से चेजिंग करने वाली टीम ने जीती थी। तो यहाँ से आंकड़े कभी भी उलट पुलट हो सकते हैं। और इस टूर्नामेंट की बात करो तो हाईएस्ट स्कोर यहाँ से MRC की तरफ से है, जिन्होंने यहाँ से 200 प्लस का स्कोर किया हुआ है। तो ये एक अच्छी नॉक है, और यहाँ से MRC की पहले बैटिंग आती है तो एक बड़ा स्कोर भी कर सकती है। बात करते हैं टीम TRC की, तो 3 मैच खेली जिसमें से एक ही मैच जीती है, 2 मैच वो हार के आ रही है। सचिन और यहाँ से अभिराम ऋत्विक दोनों ओपनिंग कर रहे हैं, और दोनों ही को आपको लेके जाना पड़ेगा। इनकेस अगर किसी के ऊपर रिस्क लेना चाहो तो थोड़ा बहुत यहाँ से सचिन के ऊपर ले सकते हो, लेकिन अभिराम ऋत्विक काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, यहाँ से स्टेट लेवल प्लेयर है, और यहाँ से कभी भी बड़ा परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपने दिन के हिसाब से। तो यहाँ से अभिराम ऋत्विक इंपॉर्टेंट पिक बनेंगे आपके लिए। सचिन को भी लेके जा सकते हो, क्योंकि ओपनिंग करवा था, पहले मैच के अंदर 29 रन की एक अच्छी पारी भी खेली थी, तो इनको ट्राई करना है। अब्दुल बसीत अपने दिन के हिसाब से चलते, देखो रेगुलर बेसिस पर गेंदबाजी नहीं करते, यहाँ से बैटिंग से परफॉर्मेंस नहीं दिया तो यहाँ से बॉलिंग करके विकेट ले गए, और लास्ट मैच के अंदर 49। ये बड़ा प्लेयर है, यहाँ से कभी भी आपको 50-60 रन मार के भी दे सकता है। तो यहाँ से अब्दुल बसीत को तो छोड़ के नहीं जा सकते, इवन कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस है यहाँ से अब्दुल बसीत, इनको जरूर ट्राई कर सकते हो। मोहम्मद कैप थोड़े से ओके पिक रहेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास ऑप्शन है, तो यहाँ से मोहम्मद कैप अगर कोई अच्छी चॉइस ना मिले तो यहाँ से इनके ऊपर रिस्क लेना चाहो तो एक टाइम ले सकते हैं, ऐसे ग्रैंड लीग वगैरह में ले सकते हो, या से 4 मेंबर 5 मेंबर वाली लीग खेलते हो तो ऐसे मोहम्मद कैप के ऊपर रिस्क ले सकते हो। बाकी थोड़ा सा रिस्की प्लेयर्स है, मोहम्मद आशिक वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेगा, पिछली दोनों ही मैच के अंदर बैटिंग से बॉलिंग से दोनों ही से परफॉर्मेंस दिया है, ज़्यादातर पब्लिक इनको कैप्टन या वाइस कैप्टन करके आ सकती है, तो आपको एज अ प्लेयर तो लेके जाना ही पड़ेगा, इवन कैप्टन वाइस कैप्टनशिप भी आप इनको दे सकते हो अगर स्मॉल लीग खेलते हो तो। निधेश वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, ये हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन रह सकते हैं, ऐसे 1 विकेट पहली मैच के अंदर निकाला, विकेट हर एक मैच के अंदर निकालते हुए आ रहे। दूसरी मैच की बात करो तो ऐसे 40 रन का स्कोर भी किया था, तो ये बैटिंग से बॉलिंग से कभी भी अच्छा एडवांटेज दे सकते हैं, स्टेट लेवल का प्लेयर्स है और ऐसे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पर भी दे चुके हैं। आकाश बाबू पिछली दोनों मैच के अंदर बैटिंग से बॉलिंग से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, देखो यहाँ से पिछली पहली दोनों मैच के अंदर ओवर्स करवाए, लास्ट मैच के अंदर ओवर्स नहीं करवाए, लेकिन बैटिंग से ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है, तो यहाँ से आकाश बाबू को एज अ प्लेयर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक उनको लेके आने वाली है। आफ्ताब रेशभ की मैंने इनके बारे में पहले मैच से ही बताता आ रहा हूँ कि जब भी निकालेगा तब 2-3 विकेट एक बार जरूर निकालेगा, लास्ट मैच के अंदर उन्होंने 3 विकेट निकाली, और ये बंदा कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस दे सकता है, हर एक मैच के अंदर विकेट निकालता आ रहा है, तो इनको तो आप छोड़ के नहीं जा सकते, इवन कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के तौर पर इनको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही आला दर्जे का प्लेयर है, कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस बड़ा परफॉर्मेंस दे सकता है। एस शिवराज लास्ट मैच के अंदर 3 ओवर्स की गेंदबाजी की 1 विकेट निकाली, लेकिन इनका नाम जो है ऐसे बैटिंग सेक्शन से, तो इनको जरूर लेके जा सकते हो, बैटिंग सेक्शन से एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, आपको ओवर्स करवाएंगे विकेट निकाल सकते, लेग स्पिन गेंदबाजी करवा लेते, ऐसे मिडल ओवर्स वगैरह में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे।
निखिल बाबू ओके ओके पिक रहेंगे, अगर कोई अच्छी चॉइस ना मिले तो ट्राई करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर ओवर्स करवाते नहीं, लास्ट मैच के अंदर भी दो ओवर्स की, इससे पहले तीन ओवर्स की, पहले मैच के अंदर चार ओवर्स पूरी की थी, तो आई थिंक ये शायद कभी भी ओवर्स पूरी भी करवा सकता है। ऐसे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है, कभी भी एक दो विकेट भी चटका सकता है, तो आपके लिए डिफरेंशियल वे में इनको ट्राई करना है, ग्रैंड लीग वगैरह में ट्राई करना है। श्रीहरि एस नायर तो इनका भी सेम सिचुएशन है, ऐसे 41 मैचेस के अंदर 62 विकेट है, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है और कभी भी बड़ा परफॉर्मेंस दे सकता है, यहाँ से इनको जरूर ट्राई करना है अपनी टीम के अंदर डिफरेंशियल, या डिफरेंशियल ट्राई कर सकते हो आप लोग, इवन आप ग्रैंड लीग वगैरह खेल रहे हो ना, यहाँ से बहुत रिस्की, तो इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टनशिप के तौर पर भी ट्राई करिएगा, क्योंकि ये बंदा जो है कभी भी आपको दो तीन विकेट एक साथ में लेता हुआ नजर आ सकता है, तो इनको आपको डिफरेंशियल वे में ट्राई करना है। स्टार्टिंग ओवर्स की बात करें तो ऐसे MD नितेश वर्या से ए ऋषभ और डेथ ओवर्स में भी ये दोनों ही प्लेयर्स गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। बेंच की बात करें तो बेंच से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, क्योंकि फाइनल अपडेट और टीम वगैरह आपको वहीं पर मिल जाएगी। बात करते हैं ऐसे टीम MRC के, तो दो मैच खेली या से तीन मैच खेली है जिसमें से सिर्फ एक मैच जीती है, दो मैच हार के आ रही है, तो दोनों ही टीम का सेम सिचुएशन है, अपनी दूसरी जीत की तलाश में उतरेगी, यहाँ से के अजीत और यहाँ से संजय राज दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं, दोनों ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं हर एक मैच के अंदर, 67 रन की पारी ऐसे के अजीत ने खेली हुई है, तो ऐसे 63 रन की पारी संजय राज ने भी खेली है, तो दोनों ही अच्छे प्लेयर्स हैं, तो यहाँ से के अजीत को तो लेके जाना ही पड़ेगा, इवन संजय राज को भी आप ट्राई कर सकते हो अपने दिन के हिसाब से, बड़ी पारी कभी भी खेल सकते हो, तो यह अच्छी पिक रह सकती है आपके लिए। अक्षय मनोहर लास्ट मैच के अंदर बैटिंग से ऊपर आ गए, इससे पहले बैटिंग से काफ़ी नीचे थे, हर एक मैच के अंदर पूरी ओवर्स करवा रहे, तो एज अ प्लेयर अभी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, यहाँ से 252 रन है 18 मैचेस के अंदर, कभी भी बड़ा स्कोर कर सकते हैं, इनके बारे में मैं पहली मैच से ही बोलता हुआ आ रहा हूँ, तो एज अ प्लेयर अक्षय मनोहर वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। ऐसे राहुल भी विकेट कीपिंग सेक्शन से सीधी पिक होने वाली हमारे लिए, तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा, बाकी अखिल स्केरिया वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, बैटिंग से भी ऊपर आ गए, मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये अगर बैटिंग से ऊपर आ गए, बैटिंग खेलने का मौका मिल गया तो अच्छा स्कोर भी कर सकता है, ऐसे 23 रन का स्कोर किया लास्ट मैच के अंदर, इससे पहले दो मैच के अंदर इनकी बैटिंग नहीं आई, तो कभी भी बड़ा स्कोर कर सकता है, 30 मैच के अंदर यहाँ से 557 रन है 30 विकेट निकाले हुए, तो हर एक मैच के अंदर आपको बॉलिंग से तो एडवांटेज दे सकता है, इवन जब भी बैटिंग आएगी तो बैटिंग से भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, तो एज अ प्लेयर एज अ डिफरेंशियल प्लेयर आपके लिए एक अच्छी पिक बन सकता है, ऐसे अखिल स्केरिया इनको जरूर ट्राई करना है। संजू ऐसे बैटिंग काफ़ी अच्छी करे, ऐसे 23 रन की है 27 रन की है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है, तो देख लेते हैं इनके बारे में लास्ट में चर्चा करते हैं कि इनको लेके जाना है या नहीं जाना है। बाकी विनोद कुमार थोड़े से ओके ओके पिक रहेंगे, पिछली दोनों मैच के अंदर विकेट नहीं मिली, हालांकि विकेट लेने की क्षमता है इनके अंदर, पहली मैच के अंदर दो विकेट निकाल दिया था, तो हर एक मैच के अंदर कभी ना कभी आपको एक दो विकेट लेते हुए नजर आएंगे, लेकिन पिछली दोनों ही मैच के अंदर विकेट नहीं मिला, तो अभी के लिए थोड़े से रिस्की रह सकते हैं। बाकी विनोद कुमार हर एक मैच के अंदर विकेट निकाल दिया, तो एज अ प्लेयर हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक बनेंगे। वासुदेवन ने पहली दोनों मैच के अंदर 7 विकेट निकाले, लास्ट मैच के अंदर भी एक विकेट निकाला, हर एक मैच के अंदर विकेट निकाले, ओवरऑल भी आप देख सकते हो 10 मैच के अंदर 19 विकेट है, तो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट पिक बनेगा, इवन कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए ये वासुदेवन एक अच्छी पिक है आपके लिए, इनको ट्राई कर सकते हो। पवन राज ने पहली दोनों मैच के अंदर कुछ नहीं किया, लेकिन लास्ट मैच के अंदर 3 विकेट निकाल लिए, तो इनको भी एज अ डिफरेंशियल आपकी टीम के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी ये बंदा अभी देखो कोई भी प्लेयर्स अगर लय पकड़ लेता है ना, तो फिर आगे अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, तो इनको डिफरेंशियल वे में ट्राई कर सकते हो। बाकी सिंडो माइकल के ओवरऑल रिकॉर्ड्स भी अवेलेबल नहीं हो, लास्ट मैच के अंदर खेले लेकिन परफॉर्मेंस करने का इनको मौका भी नहीं मिला, तो फिर लेने का इतना कोई खास मतलब बनता नहीं है। स्टार्टिंग ओवर्स में ऐसे पी राज और ऐसे विनोद के स्टार्ट करेंगे, और डेथ ओवर्स की बात करते हैं ऐसे स्केरिया है, ऐसे ए वासु, पी राज और ऐसे विनोद के आपको डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। बाकी बेंच से अगर कोई भी खेलता है तो इनके स्टेट्स आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अभी देख लेते हैं हम लोग हमारी यहाँ फैंटासी टीम कौन सी रह सकती है, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है, कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे अवॉइड करके जा सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन है तो यहाँ से सीधी पिक है हमारे लिए राहुल भी, और ऑप्शंस की बात करते हैं ऐसे मोहम्मद के आपको ट्राई कर सकते हो, फिर सचिन वगैरह को ट्राई करना हो तो कर सकते हो। बाकी बैटिंग सेक्शन की बात करते हैं ऐसे ऋत्विक है, अब्दुल बसीद है, और मैं ऐसे शिवराज के साथ जा रहा हूँ। आप अगर चाहे तो ऐसे संजय राज के साथ जा सकते हो, जो कि बड़ी पारी खेली हुई एक बार 63 रन की, इनको ट्राई कर सकते हो। ऐसे संजीव जो कि कंटिन्यूअसली तीनों ही मैच के अंदर ड्रीम टीम में आए हुए, तो इनको ट्राई करना तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ से मैं शिवराज के साथ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि तीन ओवर्स पूरी करवा रहे हैं ये, बैटिंग से दो मैच के अंदर फेल रहे हैं, एक मैच के अंदर अच्छा स्कोर किया है, और इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, तो इन दोनों ही प्लेयर को आप ट्राई जरूर कर सकते हो अपनी टीम के अंदर। बाकी मैं यहाँ से शिवराज के साथ जाऊँगा, अब्दुल बसीद और ऐसे ऋत्विक। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ से आकाश बाबू, यहाँ से स्केरिया और यहाँ से मोहम्मद आशिक हमारी टीम के अंदर रहने वाले। आप क्या कर सकते हैं, जैसे आकाश बाबू की जगह पर यहाँ से संजय राज या फिर संजीव वगैरह को लेना हो तो ले सकते हो। बाकी पी राज को ट्राई कर सकते हो, या फिर एस नायर को ट्राई कर सकते हो, के अजीत को ट्राई कर सकते हो, यहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है कभी भी, तो आकाश बाबू की जगह पर कुछ चेंजेस करना चाहो तो अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। यहाँ से बॉलिंग सेक्शन की बात करो तो ए ऋषभ, विनू कुमार है, वी कुमार मीन्स यहाँ से विनू कुमार,
ए वी मंस, यहाँ से अजीत भी और यहाँ से एम निधेश हमारी टीम के अंदर रहेंगे। बाकी अक्षय मनोहर को लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं आकाश बाबू की जगह पर यहाँ से अक्षय मनोहर को भी ले सकता हूँ, क्योंकि बैटिंग से भी ऊपर आ गए थे लास्ट मैच के अंदर, वन डाउन खेलने के लिए आ गए थे। तो ऑप्शन है, देखो एक प्लेयर के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शन, अभी एक प्लेयर बाकी है। तो यहाँ से विनोद कुमार को भी ट्राई कर सकते हो आप लोग। यहाँ से पी राज है, एस एस नायर है, यहाँ से आकाश बाबू है, इनको ट्राई कर सकते हो। यहाँ से के अजीत को ट्राई कर सकते हो, एस राज और ऐसे संजय और या फिर मोहम्मद केफ। तो इतने सारे प्लेयर्स हैं जिनमें से हमको सिर्फ एक प्लेयर लेना है। तो ऑप्शन है यहाँ से अक्षय मनोहर, क्योंकि बैटिंग से भी ऊपर आया था और ऐसे ओवर्स भी पूरी करवा सकता है। तो ऐसे इसके लिए मैंने इनको पिक किया हुआ है। तो अभी के लिए कुछ इस तरह से टीम रहेगी कि कैप्टन हमारे रहेंगे यहाँ से ए वी, यानी कि अजीत वी कैप्टन रहेंगे, वैसे निधेश वाइस कैप्टन रहने वाले हैं। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस तो बहुत सारे, यहाँ से मोहम्मद आशिक सेफ ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टनशिप का, तो इनको ट्राई कर सकते हो। या से अक्षय मनोहर को ट्राई कर सकते हो। ये कुछ प्लेयर है जिनको आपको ट्राई करना है, लेकिन याद रहिए ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको मिलेगी टेलीग्राम में। फाइनल लाइनअप के बाद तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक अटैच किया हुआ है। इनके अगर लिंक वर्क ना करें टेलीग्राम में जाकर आप सर्च भी कर सकते हो फैंटासी डिसन चैलेंजर, या फिर आप सर्च कर सकते हो @FDC27 और आपको सीधा हमारा चैनल मिल जाएगा, सिंपली उसे ज्वाइन कर लेना। यहाँ अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को आप लाइक और शेयर कर सकते हो। बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाले और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए सरप्राइज वीडियो के साथ। तब तक आप पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छा एनालिसिस करते रहो, अच्छी टीम बनाते रहो, अच्छी मीनिंग करते रहो। बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।